जब हम रात को तारों से भरा आसमान देखते हैं तो वो हमें बहुत ही शांत और मनमोहक लगता है, मगर हमारा ब्रह्मांड इतनी शांत जगह नहीं। हमारे ब्रह्मांड में अनगिनत रहस्य भरे पड़े हैं। आइए आज हम सब मिलकर कुछ चंद चौंका देने वाले तथ्यों से परिचित होते हैं। पहला तथ्य, आप शायद यह जानते होंगे कि चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है तथा हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है। मगर क्या आप यह जानते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को लेकर हमारी आकाश गंगा मिल्की वे में 792,000 यानी 792,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से परिक्रमा कर रहा है। केवल यही नहीं, हमारी आकाश गंगा मिल्की वे भी ब्रह्मांड में गति कर रही है और करीब 4 अरब साल के पश्चात वह हमारी पड़ोसी आकाश गंगा एंड्रोमेडा से टकराएगी, लेकिन तब तक मैं हैरान नहीं होंगे। यह वीडियो देखते हुए आपको लग रहा होगा कि आप स्थिर हैं, मगर वास्तव में हम सब अत्यंत गतिशील हैं। दूसरा तथ्य, वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में तैरते हुए पानी के स्रोत को ढूंढ निकाला है। ये पानी यानी H2O भाप के रूप में ब्रह्मांड में करीब 12 अरब वर्षों से बहुत बड़ी मात्रा में तैर रहा है। इस भंडार में हमारे सारे महासागरों के जल से 140 ट्रिलियन गुना ज्यादा पानी है। तीसरा तथ्य, शुक्र हमारी सौर मंडल में सूर्य से दूसरा नंबर का ग्रह है। इसका आकार व वजन हमारी पृथ्वी से काफी मिलता जुलता है, मगर तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक है। शुक्र की कमाल बात यह है कि वहाँ पर एक दिन एक साल से ज्यादा लंबा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुक्र अपनी धुरी पर बहुत ही धीमी गति से घूमता है। चौथा तथ्य, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यात्रा करते समय करीब 2 इंच लंबे हो जाते हैं, मगर दोस्तों हर चीज का वैज्ञानिक व्याख्या होता है। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी के कारण रीढ़ की हड्डी के कुछ जोड़ संकुचित हो जाते हैं। अब अंतरिक्ष में यह दबाव मौजूद न होने के कारण रीढ़ की हड्डी में विस्तार होता है और अंतरिक्ष यात्री लंबे हो जाते हैं। पांचवा तथ्य, ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा हमेशा से वही था जहाँ आज हमें दिखता है, मगर दोस्तों ऐसा नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुमान से 4 साल पहले चंद्रमा पृथ्वी से मात्र 22,000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था और आज यह दूरी करीब 380,000 किलोमीटर हो गई है, बल्कि आज भी चंद्रमा पृथ्वी से दूर जा रहा है 1.5 इंच प्रति वर्ष की गति से, यानी कि जिस गति से हमारे नाखून बढ़ते हैं। छठा तथ्य, अंतरिक्ष यात्रियों के अनुभव यह कहते हैं कि अंतरिक्ष की गंध किसी गर्म धातु यानी हॉट मेटल या भुने हुए मांस की तरह है। वैसे तो अंतरिक्ष में प्योर वैक्यूम है, आप लोगों ने यही सुना होगा, मगर वास्तव में 100% वैक्यूम नहीं है। अंतरिक्ष के शून्य अवकाश में भी बहुत ही कम मात्रा में डार्क मेटल्स और कुछ तत्व मौजूद हैं जो अंतरिक्ष यात्रियों के कपड़ों पर चिपक जाते हैं और उनकी गंध किसी गर्म धातु या भुने हुए मांस की तरह होती है। सातवां तथ्य, हमारा सूर्य इतना विराट है कि सौर मंडल का 99% से भी अधिक वजन हमारे सूर्य में ही समाता है, और तो और हमारी पृथ्वी सूर्य की तुलना में इतनी छोटी है कि हमारी जैसी 10 लाख पृथ्वियां सूर्य में आराम से समा जाए। यदि हम सूर्य के आकार की कल्पना एक फुटबॉल से करें तो पृथ्वी का आकार एक मटर के दाने से भी छोटा होगा और मैं और आप तो दिखाई भी नहीं देंगे। आठवां तथ्य, ब्रह्मांड में कुछ अदृश्य यानी इनविजिबल जगह भी मौजूद है जिन्हें हम ब्लैक होल के नाम से जानते हैं। आप लोगों ने शायद सुना ही होगा कि ब्लैक होल अपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आने वाले हर चीज को खा लेता है, यानी कि उसका अस्तित्व मिटा देता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना जबरदस्त होता है कि वो प्रकाश को भी अपने पार नहीं जाने देता और एक ब्लैक होल में पूरे आकाश गंगा यानी गैलेक्सी को निगलने की भी क्षमता होती है। हमारी गैलेक्सी में 1 करोड़ से भी अधिक ब्लैक होल मौजूद है, मगर दोस्तों निश्चिंत रहिए, इसकी संभावना अत्यंत अल्प है कि कोई ब्लैक होल हमारी पृथ्वी को निगल जाए। नहला तथ्य, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्रह्मांड की रचना को बिग बैंग थ्योरी से समझा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक बड़े विस्फोट के कारण सभी ब्रह्मांड के ज्ञात मामले और ऊर्जा यहाँ तक कि अंतरिक्ष और समय भी अस्तित्व में आया। जब कोई टीवी या रेडियो नहीं चल रहा होता तो जो खड़खड़ की आवाज आती है उसका कुछ हिस्सा बिग बैंग के तुरंत बाद बनने वाले रेडिएशन का नतीजा है जो 15 अरब वर्ष के बाद भी ब्रह्मांड में मौजूद है। दसवां तथ्य, विज्ञान के अनुसार हम रात को जो आकाश में लाखों तारे देखते हैं वो वास्तव में उस जगह नहीं होते जिधर हमें दिखाई देते हैं, बल्कि कहीं और होते हैं। हमें तो बस उन तारों द्वारा छोड़ा गया कई लाख प्रकाश वर्ष पहले का प्रकाश दिखाई देता है।
फ्रेंड्स, इस अनंत ब्रह्मांड में कई ऐसी अनोखी बातें हैं जिनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता, और जो पता भी है वो मात्र एक कण के समान है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।